वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 24 जिसका नाम है सुक्तयः, यानी कि सुक्ति रत्न, यानी कि कहावतें। ऐसी कहावतें जो कि छोटी सी लाइन में हमें बहुत सारी सीख देके जाए। तो पहली है ज्ञानम भारम कार्य विना, यानी कि ज्ञान जो है वो भार है क्रिया विना, यानी कि एक्शन के बिना। ठीक है, द इफ एक विदाउट एक्शन नॉलेज इज अ बर्डन, यानी कि आपके पास नॉलेज है लेकिन वो आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो नॉलेज आपके लिए एक बर्डन है। आपको एग्ज़ाम में सब कुछ आता है, आप अपने सब कुछ प्रिपेयर किया है, बहुत सारा नॉलेज है आपके पास, सारे चैप्टर्स लर्न हो चुके हैं, आपका सब कुछ है, आप 100 out of 100 ला सकते हो, लेकिन आप एग्ज़ाम में लिखोगे नहीं तो वो कैसे आएगा। ठीक है, मतलब आपने एक्शन ही नहीं लिया तो आपके मार्क्स कैसे आएंगे। ठीक है, तो पहला है कि ज्ञान जो है वो ज्ञान हमें हम बांटते नहीं है तो वो हमारे लिए एक हमारे सर के ऊपर का भार है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जननी और जन्मभूमि, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बेहतर है, स्वर्ग से भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपदी मित्र परीक्षा, यानी कि हमारा सच्चा मित्र है वो हमें कब पता चलता है, तो वो हमारी संकट समय में पता चलता है, क्योंकि फ्रेंड्स तो सारे ही अच्छे होते हैं जब हमारी लाइफ अच्छी चल रही होती है, हम खुश होते हैं, लेकिन जब हमें कोई हमारी लाइफ में कोई मुसीबत आती है तब हमें पता चलता है कि हमारा बेस्ट वाला फ्रेंड कौन सा है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हमारे दुख में साथ दे। इसलिए कहा है कि आपत्ति जो होती है, मुसीबत जो होती है, हमारे मित्र की परीक्षा होती है। उसके बाद है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन गेन्स नॉलेज, जो श्रद्धावान यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन, यानी कि फुल फेथ पर्सन, फुल ऑफ फेथ यानी कि वफादार इंसान, या तो फिर ऐसे जिसका आत्मविश्वास बहुत ही ज़्यादा हो, वो उसको हमेशा ज्ञान मिलता है, उसको हमेशा अच्छी सीख मिलती है। बुद्धि यश्य बलम तस्य, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि बल कितना भी हो अगर आपके पास बुद्धि ना हो तो वो कुछ काम की नहीं है। जिसके पास बुद्धि है वो बहुत ही बलवान है, क्योंकि कुछ काम ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बल से कर सको, आपके पास उस काम को करने के लिए एक तरीका ढूंढने के लिए आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए हमारी खुद की जो आंतरिक शक्ति होती है, बुद्धि होती है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। संघे शक्ति कलोयुग, यानी कि कलयुग में जो समुदाय है उसकी शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संघे शक्ति कलोयुग, कलोयुग यानी कि कलयुग जो अभी का समय है, और संघे यानी कि जो यूनिटी ग्रुप, ग्रुप जो होता है एक बहुत सारे लोगों का, मतलब एकता जो है वो इस कलयुग की बहुत बड़ी शक्ति है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधम, यानी कि जो है इंडीड द बॉडी इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ रिलीजन, हमारा धर्म जो है उसके लिए हमारा शरीर बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि सबसे पहले हमें हमारे शरीर को रखना है, शरीर मन, शरीर तंदुरुस्त होगा, मन तंदुरुस्त होगा तो हम अपने धर्म की साधना कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शुक्ति है ये सिर्फ आपको समझनी थी, ग्लोसरी जो है वो नोटबुक में लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में कंप्लीट द फॉलोइंग मैक्सिम्स, यानी कि देश क्रिया विना, तो ज्ञान भारम क्रिया विना, देश मित्र परीक्षा, तो आपदी मित्र परीक्षा। उसके बाद है देश लभते ज्ञानम, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, देश बलम तस्य, यानी कि बुद्धि यश्य बलम तस्य, देश धर्म साधनम, तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो ये थी सिर्फ ये सुक्ति में से देख के एक फिलिंग द ब्लैंक्स फिनिश करने की। दूसरा है जो फाइंड अदर 3 मैक्सिम्स लाइक दिस एंड राइट देम हियर, ऐसी कहावतें दूसरी 3 फाइंड आउट करके हमें यहाँ पे लिखने। तो मैंने लिखी है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवताओं का निवास होता है। नारिस्त्र विद्या समम नास्त्री विद्या समम चक्षु, यानी कि विद्या के समान दूसरी कोई आँखें नहीं है, दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयी पिता, यानी कि सर्व सारे तीर्थ जो है वो माता के चरणों में है और सारे देव जो है वो पिता के चरणों में है। ठीक है, क्वेश्चन 3 और 4 हमें यहाँ पे नहीं लिखना है। ये सुक्ति सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए थी, आपको ज्ञान प्रोवाइड करने के लिए थी। इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं तो वो सिर्फ आपको फिनिश करने और ग्लोसरी नोटबुक में लिखनी है। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, वंदे मातरम।